أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعما أخلاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدع الصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المصدومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات الله عليه وسلم صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد لائق حمد و ثنا ہو تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ کہ جس نے عطا کیا ہمیں ابا عبداللہ تاکہ کہہ سکیں ہم الحمدللہ شکر از پروردگار کا 1443 ہجری قمری ماہ عزا کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلہ مجالس کی پانچویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عقائد اہل بیت عقائد اہل بیت اہل بیت نے کون کون سے عقائد دیے ہیں کل گفتگو ہم نے کی تھی عقیدہ
तौहीद पे कि अकीदा तौहीद क्या है और अहले बैत ने अकीदा तौहीद कैसे मनवाया है। हम वो अल्लाह नहीं मानते जो दूसरों ने मान रखा है। लोग बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी अली वालों को अल्लाह नहीं आता, तो इस मौजू का मकसद ही है कि अली वालों से वो अल्लाह सुन लो जो अल्लाह वालों को भी नहीं आता। तो कल ये गुफ्तगू यहाँ तक आई थी कि परवरदिगार वो ऐसी ज़ात को खुदा ऐसा है। आज इंशाल्लाह अकीदा तौहीद को मुकम्मल कर दूंगा, कल अकीदा रिसालत इंशाल्लाह, और उसके बाद 7 और 8 को कुछ और अकायद जो असूल दीन से हट करके हैं उनको पेश करेंगे, और फिर 12 की मजलिस में इंशाल्लाह मौजू को मुकम्मल कर देंगे। अकीदा तौहीद क्यों माने खुदा को, आखिर क्यों माने उसको खालिक, क्यों माने ऐसे खुदा को कि जो यकता है एक है, कल मैंने पेश किया, इंशाल्लाह वहाँ से मुर्तबित हो जाऊँगा, मगर कुछ तमहीदी जुमले हैं सुन लीजिए, मौजू के लिए मुफीद हो जाएंगे। किसी भी ज़ात को पहचानने के लिए 2 अवामिल बहुत ज़रूरी हैं, 2 अशिया का जानना बहुत ज़रूरी है। जी कौन सी? हसब नसब। हसब को जान लीजिए, नसब को जान लीजिए। हसब कहा जाता है कि वो खुद क्या है, हसब कहा जाता है कि वो खुद क्या है। नसब कहा जाता है उसका शजरा क्या है। नसब को देखिए, जाग रहे हैं हजरात, आज आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा, मैं साहिब ज़मान से मौला से मुसलसल गाड़ी में मदद मांगता आया कि यारी आपके खुदा का जिक्र करना है, तो मेरी मदद कीजिएगा, आपकी समातें आली रहेंगी तो मैं पेश करता रहूँगा। सुनना चाहेंगे? अगर सुनना चाह रहे हैं तो दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। किसी भी जात की मारिफत हासिल करने के लिए 2 अशिया जो बहुत ज़रूरी हैं उन्हें कहा जाता है हसब और नसब। हसब की मारिफत हासिल कीजिए, नसब की मारिफत हासिल कीजिए। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ, कुछ लोगों का नसब बहुत अच्छा था, शजरा बहुत अच्छा था, मगर हसब अच्छा ना था। जब नसब अच्छा हो, हसब अच्छा ना हो, तो नसब भी बुरा हो जाता है बुरे हसब की वजह से। मगर अगर नसब अच्छा हो, हसब बुरा हो, तो नसब बुरा हो जाता है हसब की वजह से। बरअक्स देख लीजिए, हसब अच्छा हो, नसब अच्छा ना हो, अगर हसब अच्छा हो तो अच्छे हसब की वजह से नसब भी अच्छा हो जाता है। भाई अली ने तभी तो कहा था फुना के सुन से मोहम्मद मेरा बेटा है, मोहम्मद फना के सुन से मेरा बेटा है। तो हसब अच्छा था, हमने नसब को भी अच्छा बना दिया। और यही तो फरमाया, आप सुन लीजिए, आपके और मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मौला ने जी जुमला फरमाया, और हकीकत है कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। फरमाने लगे विलायती ले आबाई अहब्बो अलैया मिन नसबी, मुझे अपने दादा की विलायत अपने नसब से ज्यादा अजीज है। मैं शरा किए देखता हूँ क्या कह रहे हैं मौला, फरमा रहे हैं मुझे अली की विलायत में होना ज्यादा अजीज है इससे कि मैं अली की औलाद में हूँ। अली की औलाद में होने से ज्यादा मुझे अजीज है क्या अली की विलायत में होना। क्या मौला बता बयान फरमाइए, क्या अगर मैं अली के नसब से हूँ मगर अली की विलायत में ना हूँ तो अली के नसब से होना फायदा नहीं पहुंचाएगा। मगर अगर अली के नसब से ना हूं विलायत में हूं तो विलायत का फायदा पहुंचाएगी। अगर मैं अली के नसब से ना हूं मगर अली की विलायत में हूं तो अली की विलायत मुझे फायदा पहुंचाएगी। यह हसब है जो नसब को काबिले फख्र बना देता है, और अगर हसब अच्छा ना हो तो नसब अच्छा भी हो तो काबिले मुजम्मत बन जाता है। असूल यह है, आसान किए देते हैं हसब और नसब। अब अशरा ना होता जुमला ना कहता, आपकी सुनी हुई हदीस है। हसब क्या है कि इंसान खुद क्या है, जिस जात के हसब के बारे में बात होगी तो बात होगी खुद कैसा है। नसब होगा शजरा। नबी ने क्या फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। नवासा नाना से होता है समझ में आ रहा है,
ये नारा नवासे से कैसे हो गए? जुमला जाया मत कीजिएगा, हुसैन मिन्नी हुसैन का नसब है, वह अना मिनल हुसैन हसब है, हुसैन का हसब है। रिसालत बचा ली जहरा के लाल ने, इंशाल्लाह कल गुफ्तगु करूंगा इस पर। तो हसब और नसब बहुत जरूरी है। तो अब अल्लाह को कैसे पहचाने? क्या अल्लाह का भी हसब है? क्या अल्लाह का भी नसब है? जी हसब तो है, नसब है? आपने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं है। परेशान हो गया भाई, अल्लाह का भी नसब है भाई। अल्लाह का नसब क्या है? अच्छा, ऐसा नसब है कि वो लम यलिद भी है, लम यूलद भी है, मगर नसब है। जी कहना क्या चाह रहे हैं? काफी की हदीस सुनिए। पैगंबर फरमाते हैं सूरत तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद निस्बत रब्बुना व सूरत कदर निस्बति व निस्बति अहले बैती। तर्जुमा कर दूं? फरमाने लगे सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद शजरा है मेरे परवरदिगार का। भाई आप इतना परेशान हो जाएंगे तो मैं सोचा हूँ आपसे पहले। भाई कहने लगे कि सूरह तौहीद शजरा है मेरे परवरदिगार का और सूरह कदर शजरा है मेरा और मेरे अहले बैत का। भाई इन दो के शजरों के बगैर नमाज नहीं होती। भाई नमाज में तो शजरा पढ़ रहे हैं आप अल्लाह का और अहले बैत का। नबी फरमाने लगे सूरह तौहीद निस्बत रब्बुना सूरह तौहीद सूरह इखलास शजरा है मेरे अल्लाह का और सूरह कादर शजरा है मेरा और मेरे अहले बैत का। भाई अल्लाह का शजरा सूरह तौहीद, ये बात है। सुनिए रिवायत सुनिए, आपके पांचवें इमाम फरमाते हैं कि इन्नल्लाहा खलका नूरन परवरदिगार ने एक नूर को खल्क किया। इन्नल्लाहा खलका नूरन एक नूर को खल्क किया। तर्जुमा करते जो अरबी नहर से वाकिफ बैठे हैं, ये नूरन है जिसको आप नूरा भी पढ़ते हैं, नूर नहीं है ये, मारिफा नहीं नकरा है ये, इसमें मारिफा नहीं है इसमें नकरा है। और तमाम मबातियात अरब पढ़ने वाले जानते हैं कि नकरा दलील है अजमत पर, जहां इसमें नकरा इस्तेमाल होगा वो दलील है अजमत पर। तो तर्जुमा ये नहीं होगा कि परवरदिगार ने नूर को खल्क किया, तर्जुमा होगा परवरदिगार ने एक अजीम नूर को खल्क किया। वखलका मिन ज़ालिका नूर कुल हुवल्लाहु अहद, तो फिर उस अजीम नूर से परवरदिगार ने सूरह तौहीद को खल्क किया। परेशान हो गया भाई, नबी का नूरी होना समझ में नहीं आ रहा था, सूरह तौहीद की नूरी है यार। एक सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे परवरदिगार ने एक नूर को खल्क किया और फिर उस नूर से उस अजीम नूर से सूरह तौहीद को खल्क किया। और फिर फरमाया कि परवरदिगार ने सूरह तौहीद को 200,000 पर अता किए। भाई सूरह तौहीद कोई परिंदा थोड़ी है, सूरह तौहीद कोई परिंदा थोड़ी है। ये पर से मुराद क्या है? तो उलमा मुफस्सरीन ने लिखा पर से मुराद है ताकतें कुव्वतें फयूजात। परवरदिगार ने सूरह तौहीद को 200,000 फयूजात अदा किए। और फरमाने लगे जब ये सूरह तौहीद एक मरतबा फरिश्तों की रकाबी में आसमान से चला जमीन की जाने, तो जहां जहां से सूरह तौहीद गुजरता था फरिश्ते सर को झुकाते थे और कहते थे निस्बत रब्बुना निस्बत रब्बुना, अल्लाह का शजरा जा रहा है, अल्लाह का शजरा जा रहा है।
बात नहीं भैया, अली की तौहीद तो ऐसी ही है, आले मोहम्मद ने बताई है। का जहां जहां से सूरह तौहीद गुजरा तो फरिश्ते कहते हैं निस्बत और रबोना, अल्लाह का शजरा जा रहा है, अल्लाह का नसब नामा जा रहा है। कद मरतबा सूरह तौहीद वो सूरह है, अजीब बात है। क्या फरमाया था पैगंबर ने, जिसने एक बार पढ़ा उसको एक तिहाई कुरान का सवाब मिला, जिसने दो बार पढ़ा उसको दो तिहाई का मिला, जिसने तीन बार पढ़ा उसको कुल्ले कुरान का मिला। अबे फरमाया मसल अलीम फी उम्मती कमसल सूरत तौहीद, अली की मिसाल मेरी उम्मत में सूरह तौहीद जैसी है। अल्लाह के रसूल झूठा बन लिए, मुसलमान कह रहे हैं शिर्क हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप, अली की मिसाल सूरह तौहीद सी कहा, जिसने अली को दिल से चाहा उसको एक तिहाई ईमान मिला, जिसने दिल से चाहा जुबान से इकरार किया दो तिहाई मिला, जिसने दिल से चाहा जुबान से इकरार किया अमल से जाहिर किया उसे कुल ईमान मिला। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह तौहीद शजरा है अल्लाह का, इससे आसान तौहीद में नहीं समझा सकता, बहुत इल्मी मौजू है। फरमाने लगे सूरह तौहीद शजरा है खुदा का। अच्छा तर्जुमा क्या हुआ, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। क्या कह रहे हैं मुसलमानों के, तर्जुमा ही ना हुआ। बात करेंगे तौहीद पर, भाई तर्जुमा ही ना हुआ तुमसे तो, अल्लाह एक है। दुबई कैसा एक है, क्या उससे पहले सिफर भी है उसके बाद में दो भी है, ये कैसे कह दिया आपने। बहुत इल्मी जुमला कह रहा हूँ खुदा की कसम, में तर्जुमा गलत है। अल्लाह एक नहीं है, लफ्ज़े एक अल्लाह पे इतलाक नहीं कर सकता, चूंकि कोई भी एक हो वो मुरक्कब होता है। आसान ये देते हैं, मैंने इसकी आज के अंदर इल्मी मौजू है भाई, मुझे आपको एक ला के दिखाइए जो मुरक्कब ना हो, अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड ना हो। एक रुपया दो अखनिया, एक जिस्म रूह बदन, मिंबर लकड़ी आ गई, ये माइक इसका सारा निजाम आ गया, ये एक नहीं है, इसके अंदर निजाम मौजूद है। कायनात में जो भी शय एक कहलाती है वो मुरक्कब है। हमारा खुदा ऐसा एक नहीं है। ये क्या तर्जुमा करेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है। भाई अहद का तर्जुमा क्या होगा, सुनिए अली की जुबान से। पूछा किसी ने अली से, नहजुल बलागा में मौजूद है, अली फरमाइए अहद किसे कहते हैं। बहुत इल्मी जुमला है, आसान कर दूंगा। फरमाने लगे अल अहद अल्लज़ी ला इस्म लहू वला सिफत लहू वला अददिया वला मकानहू वला सूरा। फरमाने लगे अहद वो होता है कि जिसपे ना इस्म का इतलाक हो सके, ना सिफत का इतलाक हो सके, ना सूरत का इतलाक हो सके। परेशान हो गया, इस्म का इतलाक ना हो सके, अदद का इतलाक ना हो सके, माना क्या है, उसपे कोई अदद कामिल ना आए, ना एक हो सके ना दो हो सके। अली फरमाते हैं जिसपे अदद आ जाता है वो काबिले तकसीम होता है, जो एक होगा उसका दो भी होगा। ज़ैनब कुबरा अली की बारगाह में तशरीफ फरमा थी, बीबी का बचपन का जमाना था, अली जिनकी सिखा रहे थे, का ज़ैनब कहो एक, का बाबा एक, का कहो दो, का बाबा जिस जुबान से एक कह दिया दो कहते शर्माती हो, जिस जुबान से एक कह दिया दो कहते शर्माती है। किस तरह से कहूं, का वो एक है उस पर अदद का इतलाक नहीं होगा, सूरत का इतलाक नहीं होगा, सिफत का इतलाक नहीं होगा। मैंने कल भी कहा था कि शिया अकीदा ये है कि उसकी हर सिफत उसके ऐने जात है, जायद बर जात नहीं है, लिहाजा सिफत का इतलाक उस पर हो नहीं सकता, उसके लिए सूरत नहीं है। भाई हर दिल के बुतकदे में तौहीद का कोई ना कोई बुत मौजूद है,
तोड़िए उस बुत को बुत शिकन की मदद से, और मानिए वो तौहीद चौड़ी ने मनवाई है। फरमाने लगे अहद वो होता है जो तकसीम ना हो सके। तो फरमाया गया या अली वो वाहिद क्या होता है? फरमाया अल वाहिद मकाम ज़ुहूर ही। वाहिद हर उस मकाम को कहा जाता है जहां से खुदा ज़ुहूर करता है। मैं आसान क्यों बोल रहा हूं भाई? मज़हरे परवरदिगार को आप अहद नहीं कह सकते, मज़हरे परवरदिगार को आप अहद नहीं कह सकते, वाहिद कह सकते हैं। चूंकि मजहर है परवरदिगार की तमाम सिफाते जमा लिया, तमाम सिफाते जला लिया, तसव्वुर होता है मजहर के जरिए से। तो जिस मकाम से परवरदिगार की सिफात का सहूर होगा, अली फरमाते हैं उस मकाम को कहा जाता है वाहिद। अहद और वाहिद में फर्क है कि अहद काबिल तकसीम है, वाहिद काबिल तकसीम नहीं है। मैं समझाए देता हूं क्या फरमाया था नबी ने, अना वाली मिन नूर वाहिद, अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक वाहिद नूर से है। अहद नहीं था, वाहिद था। तभी तो अब्दुल मुत्तलिब के बाद आधा नूर अब्दुल्ला की निशानी में गया, आधा नूर अबू तालिब की। तर्जुमा करने वालों ने किया बेनियाज, अच्छा तर्जुमा किया, कसूर आपका भी नहीं, आपने वारिसाने कुरान को माना ही नहीं। तसमत का माना क्या है? शेख सदूक ने तौहीद में इसको लिखा कि जब पूछा गया पांचवें इमाम से, बहुत इल्मी जुमला है इंशाल्लाह गुफ्तगू आसान कर दूंगा, तो इमाम फरमाने लगे असमद हो, लफ्ज समद जो है वो पांच हरूफ पर है, अलिफ लाम स्वाद मीम दाल। सो रहे हैं आप, जाग रहा हूं मैं, समझ पांच से मजबूत है। क्या समझ पांच अल्फाज पे है? अलिफ लाम स्वाद मीम दाल का मौला शरा फरमाइए। तो फरमाने लगे अलिफो दलीलुन अला अन्नियते ही, वल लामो दलीलुन अला उलुहियते ही, वस सादो दलीलुन अला सिदके ही, वल मीमो दलीलुन अला मुल्के ही, वल दालो दलीलुन अला दवामे मुल्के ही। इमाम ने फरमाया कि अलिफ दलील है उसकी इन्नियत पर, अली दलील है उसकी इन्नियत पर। इन्नियत का मौजूद अभी और समझाऊंगा। फरमाने लगे लाम दलील है उसकी अलूहियत पर,
यानी क्या कि वही काबिले इबादत है, वही इला है, इबादत बस उसकी होगी। कल लाम दलील है उसकी अलहियत पर, यानी काबिले इबादत सिर्फ वो है, कोई और नहीं है। वो अलग बात है, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूं बंदगी राम में। करेंगे शराइस्की इंशाल्लाह करेंगे। तो फरमाया अलिफ दलील है उसकी इन्नियत पर, लाम दलील है उसकी अलहियत पर, स्वाद दलील है उसके सिद्ध पर सच्चा होने पर, मीम दलील है उसके मुल्क पर, और दाल दलील है उसके मुल्क के दायम होने पर। यानी क्या, उसके मुल्क को दवाम ही दवाम है, फना नहीं है। उसका मुल्क बाकी है, उसको फना नहीं है। उसका मुल्क बाकी है, उसको फना नहीं है। अलिफ दलील है इन्नियत पर, लाम दलील है अलहियत पर। इंशाल्लाह कल से गुफ्तगू बहुत आसान हो जाएगी, आज इनमें गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। आपने बहुत साथ दिया जनाब सैयदा, आपका आना कबूल फरमाए। अब समझ रहे हैं आप कि अच्छे अच्छे माशाल्लाह मिंबर से तौहीद क्यों नहीं पढ़ते। तौहीद पढ़ते पढ़ते खुद सिरात मुस्तकीम पे रहना, खुद ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। अलिफ दलील है उसकी नियत पर, लाम दलील है अलहुयत पर। और फिर इमाम ने जुमला फरमाया कि जुमला बता रहा है कि दहने मासूम से निकला है, फरमाने लगे मैंने कल कहा था हमें खुदा मत समझाना, हमने अल्लाह उनसे समझा है जिनके मुंह में खुदा की जबान बोलती है। फरमाने लगे अलिफ नाम, अलिफ दलील है नियत पर, लाम दलील है अलहुयत पर। और फिर इमाम ने फरमाया कि सुनो जरा असमत को बोलो। सामने वाले ने कहा असमत, तुमने जब बोला तो लाम नजर नहीं आया मगर मौजूद है। कजरा समझ को लिखो, उसने लिखा लाम नजर आ गया। फरमाने लगे ये लाम ऐसा है जो कौल से जाहिर नहीं होता, फेल से जाहिर हो जाता है। कौल से जाहिर नहीं होता, फेल से जाहिर हो जाता है। तुमने कौल से बोला जाहिर ना हुआ असमर, तुमने फेल से लिखा जाहिर हो गया। ये नाम ऐसा है जो कौल से जाहिर नहीं होता, फेल से जाहिर होता है। ये नाम है अलहियत का, इबादत का। इबादत जुबान से जाहिर नहीं होती, अमल से जाहिर होती है। भाई तभी तो नबी ने फरमाया था जिक्र अलियों ने बादा, अली का जिक्र इबादत है, अली अली करो। समझ की तारीफ बयान की और फिर इमाम ने जुमला फरमाया कब खुदा की कसम अगर मुझे इल्म का मुतहम्मिल कोई मिल जाता तो मैं इस लफ्ज़े असमत से तौहीद से लेके इस्लाम की हर शय लफ्ज़े असमत से बयान कर देता। भैया आप समझते परेशान हो गए, भैया घराना तो ऐसा है पूरे कुरान को एक नुक्ते में ले आता है। मौला ने समझ का माना बयान किया, कोई एक माना अगर वाजे ना हो तो मुझे बाद में रोक के पूछ लीजिएगा। तौहीद का मौजू इतना पेचीदा है, फरमाया अहद वो होगा कि जो तकसीम ना हो, अहद वो होगा जिस पे इस्म का इतलाक ना हो, अहद वो होगा जिस पे सिफत का इतलाक ना हो, अहद वो होगा जिस पे अदब का इतलाक ना हो। फरमाया समझ वो होगा अलिफ दलील है उसकी इन्नियत पर, लाम दलील है उसकी अलहियत पर कि वही काबिले इबादत है, स्वाद दलील है उसके साबित होने पर, सच्चा होना पर। तो भाई जो मजहर होगा, कल गुफ्तगू आई थी, जो मजहर होगा खुदा का वो उसकी सिफात का मजहर होगा, वो उसकी सिफात का मजहर होगा। तो ढूंढिए जो भी मजहर हो वो सिद्दीक हो, जो भी मजहर हो वो सिद्दीक हो। मगर का जुमला भी सुन लीजिए, आपका बनाया हुआ नहीं, खुदा का बनाया हुआ। मुझे तो नहीं मालूम कौन से दीक है, मैं तो आयतें पढ़ देता हूँ। स्वाद दलील है उसके सिद्ध पे जो मजहर होगा खुदा तक जाने का, मैंने कल गुफ्तगू की थी, वो भी सिद्दीक तो हो। मुस्नद अहमद की हदीस है, पैगंबर ने फरमाया तीन सिद्दीक गुजरे हैं, का पहला कौन, मोमिन आले यासीन हबीब नज्जार, मोमिन आले फिरौन हिस्कीन, और फरमाया तीसरा मेरा भाई अली। अल्लाह के रसूल और भी हैं, का हम नहीं जानते।
भाई आयतों से बाजी कर देते हैं, भाई कुरान तू बता दे सिद्दीक कौन है ताकि मजहर ढूंढ ले, तौहीद को समझना है। सूरह हुजरात की आयत सुनिए, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिह, इन्नमल मुमिनूना। भाई इन्नमा आपसे बेहतर कौन समझेगा, कलमा हसर है। फरमाने लगा खुदा सूरह हुजरात में, मोमिन तो बस वो है, बस वो है। ये इन्नमा का माना ये होता है कि हर ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं आएगा, हर एक मुंह उठा के आयत में नहीं चढ़ाएगा। इन्नमा कलमा हसर है, हर एक नहीं आ सकता। इन्नमल मुमिनूना, मोमिन तो बस वो है। कौन? बड़े गौर से सुनिएगा, आमनू ईमान लाए, बिल्लाह व रसूल, ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूल पर, सुम्मा लम यरताबू और फिर शक न करे। जाग रहे हैं आप, मोमिन तो वो है जो ईमान लाए, आमनू बिल्लाह व रसूल ही, सुम्मा लम यरताबू फिर शक न करे। परवरदिगार यानी कोई ऐसे भी हैं जो खुद को मोमिन कहते हैं और रिसालत में शक करते हैं, का यही तो हुआ था, हुदैबिया में कहा था, आज नबी में ऐसा शक हुआ जैसा पहले ना हुआ। भाई जुमला तो अब आपकी नजर कर रहा हूं, कुरान कह रहा है मोमिन तो वो होता है जो रिसालत में शक ना करे, मोमिन तो वो होता है जो रिसालत पे शक ना करे, मोमिन तो वो होता है जो रिसालत पे शक ना करे। भाई जो रिसालत पे शक करे, कुरान उसको मोमिन नहीं मानता। तुम अमीरो मोमिनीन मत मान लेना, अमीरो मोमिनीन मत कह देना, कुरान को मोमिन नहीं मानता। गुफ्तगु आगे बढ़ गई, वजाहिदु फी सबीलिल्लाह बि अमवालिहिम व अन्फुसिहिम उलाइका हुमुस सादिकून। सिद्दीक पे बात की ना, और जो जिहाद करे माल से, जान से, राहे इलाही में, वो सिद्दीक है। तो भाई सिद्दीक का मायाद पता चल गया, जिहाद करे किस तरह, जान से। तो भाई जान से तो वो जिहाद करेगा ना जो भागे ना। मैं बता के देता हूँ, आप तो परेशान हो गए भाई, मुझे मुस्कुरा कर देखने लग जाते हैं जैसे मैं मुजरिम बैठा हूँ यहाँ पर। भाई जिहाद तो वो करेगा ना जान का जो भागे ना। भाई यही तो नबी ने पूछा था अहद में सबसे कि तुम सब क्यों भाग गए, तो सबने जवाब दिया था किसी शैतान ने। रिवायत है किसी शैतान ने कहा था माता रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह मारे गए, तो हमने कहा अल्लाह के रसूल जब आप मारे गए तो लड़ने का फायदा क्या है। नबी अली की तरफ देखने लगे और कहने लगे अली आप क्यों ना भागे, का मैंने कहा जब आप मारे गए तो जीने का फायदा क्या है। फरमाया वो होगा सिद्दीक कि जो जान से जिहाद करे, तो भाई जान से तो वो जिहाद करेगा तो मैदान में रुक जाए। अगला कौन? माल से जिहाद करे। अच्छा माल से जिहाद आ जाते हैं, हमारे बच्चे फला सामान लाए, फला सामान लाए, आधा सामान लाए, पूरा सामान लाए, घर का लोटा लाए, घर का बिस्तर लाए, घर की चांदनी ले आए। अरे भाई जब लाए तो देखो लेके कितना गए। अरे भाई ये तो ऐसे ही हो गया, आपने लाहौर में 1000 रुपए की कमेटी डाल ली, भैया 1,00,000 रुपया मिल गया, तो आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट की सरकार, आपने क्या आप कौन से सखी हुए, आप कौन से हाथ इंताई की औलाद से हो गए, भैया जितना दिया था उससे दुगना ले लिया आपने। तो कहने लगे ये लाए वो लाए फला लाए, मैंने कहा देखो लेके कितना गए। सखी तो वो होता है खैबर में सबसे ज्यादा मिला था अली को, जब मदीना आए तो खाली हाथ, सहरा ने सवाल किया का सैयदा सारा रास्ते में तकसीम कर आया। तुम्हें सच्चा तो वो होना जो जिहाद करे माल से भी, कुरान की आयत है, जान से भी। अब एक और नुक्ता पेश किए देता हूँ बहुत हिजाब से। आयतुल्ला नूर मोहम्मदी, उन्होंने इसको अपनी मनाकिब की किताब में लिखा है और खुदा का करना है कि आज ही मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने कहा पढ़ भी देते हैं। फरमाने लगे, वो बहस कर रहे थे आयत पर कि कूनू मा सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। तो बहस करते करते उन्होंने सिद्दीकीन की और सच्चों की सिफात गिनवाना शुरू की, तो कहने लगे कुरान में अल्लाह ने दो अंबिया को सिद्दीक कहा है। आयतुल्ला नूर मोहम्मदी ने लिखा है, कहने लगे कि कुरान में अंबिया को, तमाम अंबिया को सिद्दीक नहीं बुलाया, दो अंबिया को, इब्राहिम और यूसुफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
वस्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नाहु काना सिद्दीकन नबिया, जिक्र करो मेरे इब्राहिम का वो सिद्दीक था। और दूसरा या यूसुफ अय्युह सिद्दीक, ए यूसुफ मेरे सिद्दीक। तो आगा लिखते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया तो कुएं में कुछ सांप मौजूद थे और उन्होंने यूसुफ पे हमला कर दिया। का जैसे ही हमला करने लगे तो ये कहते हुए रुक गए, मत काटना हाजिर सिद्दीक, यूसुफ को मत काटना ये सिद्दीक है, सो रहे हैं आप, यूसुफ को मत काटना ये सिद्दीक है, सिद्दीक की पहचान मालूम हुई, सिद्दीक को सांप नहीं काटता। काटा इसलिए यूसुफ को ना काटा। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो फरमाया जब खुदा सादिक है, वो सिद्क रखता है, उसका मजहर भी सिद्दीक हो। गुफ्तगू आगे बढ़ गई, अलिफ दलील है नियत पर, मजहर पहुंच गया है सदाकत का, इससे बेहतर कोई हो तो दिखा दीजिए। अलिफ दलील है नियत पर, लाम दलील है अलुहियत पर, स्वाद दलील है उसके सिद्क पर, सच्चा होने पर। फिर क्या फरमाया, मीम दलील है उसके मुल्क पर, और दाल कि उसका मुल्क दायम है, हमेशा रहने वाला है। तो उसके मुल्क का वस्फ क्या हुआ कि वो हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, उसके मुल्क को फना नहीं है। तो भाई ये कौन सा मुल्क है जिसको फना ही नहीं है? आपके मासूम इमाम से पूछा गया तफसीर बुरहान, वो कौन सा मुल्क है जिसको फना नहीं है? फरमाया कुरान में इस मकाम पे मुल्क मेरे दादा अली का नाम है। का कहना क्या चाह रहे हैं इमाम? इमाम ने आयत की, आयत ने तफसीर की, इमाम ने कहा तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, कुल्लु अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ पनाह हो जाएगा, वह यक का वजह हूं, बाकी रह जाएगा उसका चेहरा, बाकी रह जाएगा उसका चेहरा, अली है मजहूल। अली को बगा ही बगा है, अली को फना नहीं। अच्छा आप घबरा गए, इससे पहले मेरे पे कोई फतवा लग जाए तो मैं कुरान की आयत से वजाहत के देता हूं। भाई अली को फना कैसे आ जाए? भाई मर तो वो जाए जिसके पास उसका नफ्स हो। परेशान हो गए यार, भाई मरे तो वो जिसके पास उसका नफ्स हो, मेरे पास मेरा नफ्स है, मुझे मौत आएगी जी, आपने कैसे कह दिया? कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मेरे पास मेरा नफ्स है, मुझे मौत आएगी, आपके पास आपका नफ्स है, आपको मौत आएगी। या अली आपका नफ्स का शबे हिजरत सोया, बमियन नासिमन यशी नफ्स तगा मरदातिल्ला, मर्जियां ले ली नफ्स बेच दिया। तो अली का नफ्स तो अल्लाह के पास है, और अल्लाह ने बदले में क्या दे दी? मर्जियां। बदले में क्या आ गई? मर्जियां। अल्लाह की मर्जियां कहाँ है? अल्लाह की मर्जात कहाँ है? अली के पास। तो भाई अब देखना हो कि अल्लाह किससे राजी है, देखना हो अल्लाह किससे राजी है तो देख लेना अली किससे राजी आए। अली राजी नजर ना आए तो खबरदार रजी अल्लाह ना कहना। मायारे रजी अल्लाह कुरान ने बता दिया जिससे अली राजी हो जाए, चूंकि अली के पास परवरदिगार की मर्जियां हैं। अली फरमाया मुल्क किसका नाम है? हमारे दादा अली का, हमारे दादा को बका ही बकाए फना नहीं है, और उसका मुल्क दायम है, दाल दलील है, उसका मुल्क हमेशा दायम है। गुफ्तगू आगे बढ़ गई, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, दो जुमले कह के गुफ्तगू आगे बढ़ा दूंगा। लम यलिद, ना उसका कोई बाप है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसने किसी को जना है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है। पूछा गया अली से आखिर क्यों परवरदिगार ने ये कहा, तो फरमाने लगे उसने अपना बाप किसी को इसलिए करार ना दिया ताकि उसकी इज्जत में कोई शरीक ना हो जाए। जुमला बता रहा है मासूम का, अगर उसका कोई बाप हो जाता तो उसका एहतराम उस पर वाजिब हो जाता, तो लिहाजा परवरदिगार ने अपना बाप इसलिए मुअय्यन ना किया ताकि उसकी इज्जत में कोई उसका शरीक ना हो। कहा अली बेटा क्यों ना बनाया?
फरमाया बेटा इसलिए खुदा ने अपना मुअय्यन ना किया ताकि कोई उससे विरासत ना पाए। सवाल कर लूं मैं आपसे, कुरान की अजीब आयत है सूरह ज़खरुफ में, आयत है आयत, नबी फरमाते हैं वो इन कान लिर्रहमान वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन, अगर अल्लाह के लिए कोई बेटा होता तो मैं मोहम्मद पहला होता। आयत है कि खुदा ने अपना बेटा किसी को करार नहीं दिया, खुदा ने अपना बेटा किसी को करार नहीं दिया। आयत है कुरान की, अभी फरमा रहे हैं अगर मायार होता तो ईसा ना होते। गुफ्तगू आगे बढ़ गई, अल्लाह का ना कोई बाप ना कोई बेटा। सवाल कर लूँ आपसे मैं, अरे अल्लाह तेरा हाथ तो है, चेहरा तो है, कान तो है, पहलू तो है, जुबान तो है, आंखें तो हैं, तो बेटा भी हो जाता। जब हाथ पांव यदुल्ला है, ऐनुल्ला है, लिसानुल्ला है, उज़्रुल्ला है, वज़हुल्ला है, जुम्बुल्ला है, तो कोई इब्नुल्ला भी हो जाता। तो जवाब सुन लीजिए बारगाह मासूम से है, बेटा वो होता है जिसका बेटा हो उसकी जात से अलग है, जरूरी नहीं उसका इख्तियार चले, मगर हाथ पे उसी का इख्तियार चलता है जिसका हो, आंख पे उसी का इख्तियार चलता है जिसकी हो। अल्लाह ने बता दिया हमने जिसको अपना चेहरा करार दिया, अपना हाथ करार दिया, अब अगर उनके हाथ से कोई मारा जाए तो उन्होंने नहीं मारा मैंने मारा हो, काम बेटा करार देते तो न जाने बागी तागी हो जाता। लेकिन हमारा हाथ तो हमारा पाबंद है। आप परेशान हो गए, चले आप आपको रिवायत सुना के मैं आसान किए देता हूँ, बहुत परेशान हो गए आप हजरात आज। भाई मैंने अर्ज किया ना कि अली बताएंगे तौहीद क्या है, अली ने बताया अहद क्या है, अली ने बताया समद क्या है, अली ने बताया लम यलिद क्या है, अली ने बताया लम जुलद क्या है, क्यों उसका बाप नहीं है, क्यों उसका बेटा नहीं है। मैंने एक जुमला अर्ज किया था, खुदा का बहुत शुक्र है हम हाथ पांव वाला अल्लाह नहीं मानते। आप कहेंगे जी मानता कौन है, तो एक किताब है, मिंबर से बात कर रहा हूँ जनाब, एक किताब है नाम है सही बुखारी, सही है बुखारी। तो बुखारी साहब ने सूरह मुबारकाए स्वाद के और सूरह काफ के जिम्मे कुछ रिवायात लिखी हैं, दो सुन लीजिए। फरमाने लगे कि रोजे कयामत जहन्नुम कहेगी हल मिन मजीद, परवरदिगार और भेज, न जाने कितनी भूखी है। कदर जहन्नुम ये कहेगी तो साहिब बुखारी ने लिखा, साहिब सही बुखारी मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी लिखने लगे, उन्होंने रिवायत लिखी सुन लीजिए, कहने लगे जब जहन्नुम कहेगी और भेज तो अल्लाह अपना पांव जहन्नुम में डाल देगा। जहन्नुम कहेगी कत्तो बस मेरा पेट भर गया। तौहीद हमें वो सिखाते हैं जिनके यहाँ खुद ऐसी तौहीद है। भाई फरमाने लगे एक और सुन लीजिए, ये अजीब हुआ, रमजान का पहला अशरा आया अल्लाह सातवें आसमान पे, दूसरा अशरा आया अल्लाह चौथे आसमान पे, तीसरा आया अल्लाह आसमान दुनिया पे, मियाँ ये अच्छा है तुम्हारी इबादत बढ़ती जा रही है, अल्लाह नीचे आता जा रहा है। शिया अकीदा ये है हम खुदा के लिए नजूल के कायल नहीं है, हलूल के कायल नहीं है, ना वो नाजिल होता है, जब वो नाजिल होगा तो मानना ये पड़ेगा कि जहां से आया उस मकाम को छोड़ के आया, और खुदा वो है जो हर जगह पे हो। और हम हलूल के कायल भी नहीं है कि किसी में हल हो गया, यो खुदा है जिसको जिस्मानियत से मुबर्रा है, हमने हाथ पांव वाला खुदा न माना। फिर एक और आयत ले आए आलिम इस्लाम, उनकी तफसीर उन्होंने लिखी, आयत सूरह कलम की है, आप भी परेशान हो जाएंगे। कहने लगे सूरह कलम में आयत है यौमा यक्षिफु अनसाकिन व यदउना इला सजूद, और वो कयामत का दिन जब पिंडली से पर्दा हटाया जाएगा और लोग सजदे में गिर जाएंगे। ये आयत है कुरान की, तो अब इसका माना क्या है, खुदा को पाँव वाला मान ले। भाई किसी ने अपने तैमिया से पूछा था, अपने तैमिया आलम इस्लाम के इमाम है, कि भाई खुदा अर्शो फर्श से नीचे कैसे आता है, तो वो मिंबर पे बैठे थे, वो नीचे उतर आए फिर ऊपर आके बैठ गए, कहने लगे जैसे मैं उतरा और चढ़ा हूँ ऐसे, तो भाई हम तो ऐसा खुदा नहीं मानते। तो कहा क्या है, आयत तो है यौमा यक्षिफु अनसाकिन व यदउना इला सजूद सूरह कलम,
वो दिन के जब पिंडली से पर्दा हटा दिया जाएगा, पर्दे को हटाया जाएगा और लोग सजदे में गिर जाएंगे। तब तफसीर करने वालों ने सही बुखारी में की कि अल्लाह रोजे कयामत अपनी पिंडली से पर्दा हटाएगा आयत कह रही है और लोग सजदे में गिर जाएंगे। क्या ये माकूल है? अकल कबूल कर रही है? दूसरी मजलिस याद है, हर अकीदा फितरत के मुताबिक होना चाहिए। तो भाई क्या करें, आए हवाला दे देते हैं आपको। यक्षिफु अंसाक, पिंडली से पर्दा हटना, इसका माना क्या है? मेरे यहाँ का हवाला नहीं है, मुफर्रदात में रागिब इस्फहानी ने लिखा, अहले सुन्नत का हवाला, तफसीर करतबी बरादरान की किताब, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा गया इस आयत का माना क्या है। इब्ने अब्बास वो हैं कि जो आलम इस्लाम में मोतबर तरीन शख्सियत हैं तमाम मकातिब फिक्र के नजदीक। इब्ने अब्बास ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, जब भी किसी जबान का कोई मसला पेश आ जाए तो उस जबान के अदब को उठा के देखो, उसके अदब में माना मिल जाएगा। उर्दू का कोई लफ्ज आपको समझ में नहीं आ रहा तो उर्दू की शायरी उठा के देखिए, लफ्ज का माना समझ में आ जाएगा कि किस माना में इस्तेमाल हुआ है। हर वक्त लुगवी माना नहीं लिया जाता, बाज़ औक़ात माना बदलना पड़ता है। हज का लुगवी माना है इरादा। भाई मैं घर जा रहा था, घर का इरादा था, मैंने कहा मैं हज पे जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे मौलाना हर इरादे को हज नहीं कहा जाता, हर जगह लुगवी माना नहीं लिया जाता, तावील कीजिए माना कुछ और होगा। तो हर जगह लुगत का माना नहीं होगा। जब कुरान ने कहा यौमा यक्षिफु अंसाकैन, पिंडली से पर्दा हटाया जाएगा, तो आप लुगवी माना क्यों कर रहे हैं? इब्ने अब्बास से पूछिए, तो इब्ने अब्बास कहने लगे अरब के अंदर राइज है ये मुहावरा, कब? जब कोई शदीद अमर होने लगे, कोई शदीद हुक्म आने लगे, तो कहा जाता है यौमा यक्षिफु अंसाक, पिंडली से पर्दा हट गया। इसका माना क्या है? कोई शदीद हुक्म आने लगा है, कोई शदीद हुक्म आने लगा है। यहां तक आलम इस्लाम सब ने लिखा कि इस आयत का माना यह है कि कयामत में कोई ऐसा शदीद हुक्म आएगा कि जिसको देखने के बाद लोग सजदे में गिर जाएंगे, जिसको देखने के बाद लोग सजदे में गिर जाएंगे। भाई अब कौन बताए वो क्या हुक्म होगा? भाई कौन बताए कयामत में क्या होगा? कयामत का हाल तो वो बताए जिसके बेटे की वजह से कयामत रुकी हुई है। कयामत में कौन सा हुक्म आएगा? तफसीर बुरहान सैयद बहरानी ने इस रिवायत को लिखा, जब आठवें इमाम से पूछा गया बताइए ये कौन सा हुक्म है परवरदिगार का कि जो जाहिर होगा और लोग सजदे में गिर जाएंगे, का जब परवरदिगार हमारे दुश्मनों के बारे में हुक्म देगा। रिवायत का जुमला है जहन्नुम बार बार कहेगी, जहन्नुम बार बार कहेगी परवरदिगार इजाजत दे दे, परवरदिगार इजाजत दे दे, परवरदिगार इजाजत दे दे। अरे काहे की इजाजत चाहिए जहन्नुम को? तुम मौला फरमाते हैं जहन्नुम कहेगी परवरदिगार मुझे इजाजत दे कि मैं मैदान हशर से सिराज से अली के दुश्मनों को झपट लूं। रिवायत कहती है जहन्नुम झपट लेगी। और दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए, जब मोमिन बोले सिराज से गुजरेंगे तो जहन्नुम नीचे से कहेगी जुज गया मोमिन फकत अचवा नूरू का लहबी, ए मोमिन जल्दी गुजर जा तेरा नूर मेरी आग को बुझा रहा है। फरमाया ये वो अजीम हुक्म है जो अली के दुश्मनों के लिए होगा। ना जैसे ही आयत क्या है यौमा यक्षिफु अंसाकैन मुदक्कून अहले सजूद, जैसे ही वो अजीम हुक्म अब माना समझ आया आयत का, इब्ने अब्बास ने भी कहा, मौला ने भी कहा, फरमाने लगे जब ये अजीम हुक्म दिया जाएगा तो लोग सजदे में गिर जाएंगे। जब हमारे चाहने वाले मौला के दुश्मनों का हाल देखेंगे तो सजदे में गिर जाएंगे। सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कर सकता है कोई इन आयतों की तफसीर अली के और अली की औलाद के अलावा?
ना होते तो कौन तफसीर करता। शुक्र करें खुदा का वो मौला दे दिया जो मुवहिदीन का इमाम है। चाहता तो रुकता सिर्फ एक जुमला मजलिस तमाम, तो हम हाथ पाँव वाला खुदा नहीं मानते। हमारे यहाँ यदुल्लाह से मुराद अल्लाह हाथों वाला नहीं है, वजहुल्लाह से मुराद अल्लाह चेहरा वाला नहीं है, अल्लाह चेहरे वाला नहीं है। भाई चेहरा वो होता है जो पहचान का बायस हो। धड़ रख दीजिए, सर काट दीजिए, पहचान लेंगे आप का चेहरा वो है जिससे पहचान होती है। अब जो वजहुल्लाह होगा इसका माना ये है कि उसके जरिए से अल्लाह की पहचान होगी। ज्यादा आसान करके मैं पेश नहीं कर सकता। यदुल्ला भी आखिरी जुमला, भाई अल्लाह के हाथ से क्या मुराद है? मेरे यहां का हवाला नहीं है। रियाजुन नजरा की मनाकबे अशरा बरादरान की तिबरी की बहुत बड़ी किताब, हजरत उमर फरमाते हैं। अच्छा ये तो रिकॉर्ड कर लियो भाइयों, लोग कहते हैं शिया जिक्र नहीं करते। भाई हमारा तो दिल बहुत बड़ा है, हम जिक्र कर रहे हैं आप सुनते नहीं है। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरी खिलाफत का जमाना था और एक शख्स मेरे पास मक्के में आ गया, ऐ खलीफा ए वक्त अली ने तमाचा मारा है, अली ने तमाचा मारा है, अली को बुला लिया गया, या अली क्यों मारा है? का तवाफ के दौरान दूसरों की नामूस को देख रहा था। सबसे पहले तो जो नामहरम को देखता है अली का तमाचा खाने के लिए तैयार रहे। जी हाँ, तो फरमाया का क्यों मारा? था मैंने इसको इसलिए मारा, ये तवाफ के दौरान नामहरम को देख रहा था, दूसरों की नामूस को देख रहा था। तो बेसाख्ता हजरत उमर ने फरमाया रहा का अहलुल्ला व जरबा का यदुल्ला, अल्लाह की आंख ने देखा था, अल्लाह के हाथ ने मारा है। की आंख ने देखा था, अल्लाह के हाथ ने मारा है, तो उनका भी अकीदा है भाई, बड़ों ही की मान लो। भाई वो लोग बेअदब होते हैं जो बड़ों की नहीं मानते, क्या कहा जाए ऐसी नाहंजार मानने वालों को। भाई बड़ों की मानो। फरमाया रा का ऐनुल्लाह व ज़रबा का यदुल्लाह, अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा। ये है यदुल्लाह का माना, ये है तौहीद, आले मोहम्मद की तौहीद। हम जिस्मो जिस्मानियत के कायल नहीं है। मैंने एक आयत से भी पेश किया कि लोग तो पिंडली बनाए बैठे थे, आले मोहम्मद ने बताया कि माना क्या है। आले मोहम्मद बताएंगे तौहीद क्या है। तौहीद असल दीने परवरदिगार है, वो यकता है। वाहिद का तर्जुमा एक नहीं होगा, वो यकता है यानी क्या? मुनफरिद, उस जैसा कोई नहीं है, वो यकता है। और इसी खुदा के दीन को बचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी गई अदादारों, खून दिया है फातिमा की औलाद ने। आबाद किस तरह ये चमन फातिमी हुआ, आबाद किस तरह ये चमन फातिमी हुआ, किसकी लगी नजर के ये घर मातमी हुआ। फातिमा के लाल ने अंबर जैसा तो दे दिया। आज मुझे शहादत पढ़नी है अजादारों, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। पुरसा लेने बहुत दूर से अकबर की माँ आई है। कौन है अली अकबर? शबीर रसूल है अली अकबर। मदीने वाले कहते हैं एक रोज मस्जिद में हुसैन तशरीफ फरमा थे और अली अकबर गोद में थे। अली अकबर ने कहा बाबा मुझे अनार चाहिए, तो मदीने वाले कहते हैं अनार का मौसम नहीं था। हुसैन ने सतूने मस्जिद पे हाथ डाला और अनार निकाल करके दिया। हमने कहा मौला कहाँ से मंगवाया? तो कहने लगे जन्नत से मंगवाया। कब कैसे मुमकिन है अली अकबर मुझसे कुछ मांगे और मैं अली अकबर को ना दूँ? इतनी मोहब्बत है बेटे से बाप को। रिवायत कहती है शाम में जहाँ जहाँ अकबर का सर जाता था ना, हुसैन का सर वहां वहां देखता चला जाता था।
जब शिमर ने ये मंजर देखा तो इन सरों को उतार लो, ये मौजदा देख के कोई मुनकलिब ना हो जाए। अजादार हो, एक सर को एक संदूक में रखा गया, दूसरे सर को दूसरे संदूक में रखा गया। जब बाद में खोला गया तो क्या देखा गया, जिस संदूक में हुसैन का सर था वहां हुसैन का सर मौजूद नहीं है। शिमर ताजियाना लिए सैयद सज्जाद के पास आ गया, मुझे बताओ तुम्हारे बाबा का सर कहाँ है। कहा दूसरा संदूक खोलो। अब जो खोला गया तो क्या देखा, अकबर के सर पे सर पड़ा था हुसैन इब्ने अली का। एक ही जुमला कह रहे थे, वलदी अली वलदी अली, हाय मेरा अली हाय मेरा अली। अजर को मन अल्लाह, ये बाप की मोहब्बत है। माँ की मोहब्बत सुना दूं, जब ये काफिला हलक पहुंचा ना तो हलक में ईसाई खवातीन मौजूद थी। एक खातून अली अकबर के सर को देखती चली जा रही थी, उम्मे लैला माँ है ना, रहा नहीं गया। कहा क्या देख रही हो? कहा बीबी मैं कुछ नहीं देख रही, अपने खुदा से दुआ मांग रही हूँ कि इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। कहा ए बीबी तेरी दुआ कबूल नहीं। ये माँ की मोहब्बत है, ये बाप की मोहब्बत है। अजादारों को भी अली अकबर और अब्बास जब मदीने में निकलते थे साथ साथ तो मदीने वाले खड़े हो जाते थे, अरे जिसने अली को देखना है वो अब्बास को देखे, जिसने मोहम्मद को देखना है वो अकबर को देखे। लोग सवाल करते थे, ए अब्बास आप तो चचा है, सर झुका के क्यों चल रहे हैं? तो एक ही जुमला कहते थे, अरे देखते नहीं हो शबीहे रसूल है। तो कभी औलादे जाफर आ जाती, कभी औलादे अकील आ जाती। ए मौला हमारे होते हुए शबीहे रसूल नहीं जाएगी, ए मौला हमारे होते हुए अली अकबर नहीं जाएगा। अदादारों रिवायत कहती है, एक मरहला वो आया, अब जो अली अकबर आए हुसैन ने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, शायद अब भी कोई आगे बढ़ते कहते अली अकबर नहीं जाएगा। अजादारों अली अकबर ने हाथों को जोड़ा, ए बाबा मुझे रंग की रेजा दीजिए। अली अकबर करबला हो चुकी तैयार तकत तुम बनदी। अजादारों एक जुमला हुसैन ने कहा, ए अली अकबर मेरी तो इजाजत है मगर अपनी माँ से इजाजत ले लो। अली अकबर याद है ना तुम्हें पालने वाली दो माएं हैं, एक दुनिया में लाने वाली है एक पालने वाली है। और अली अकबर अपने भैया सज्जाद से भी विदा कर लेना। अदादारों रिवायत रहती है, अली अकबर उम्मे लैला के खैमे में आ गए। चाहे अम्मा मुझे रंग की रजा दीजिए, मुझे मरने की इजाजत दीजिए। अदादारों उम्मे लैला ने एक जुमला कहा, ए अली अकबर मैं कौन होती हूँ? अरे जिसने तुझे पाला है, ज़ैनब से इजाजत ले। अजादारों अली अकबर ज़ैनब के खैमे में आ गए। जानते हैं ज़ैनब से इजाजत लेना आसान नहीं है। खैमे में वारिद हुए, ज़ैनब ने जैसे देखा बाजुओं को फैला दिया, अली अकबर का सर गोदी में रख दिया, बालों को सहलाना शुरू किया। अली अकबर ने जुमला कहा, एक उठी अम्मा एक मसला पेश आ गया, जवाब दे दीजिए। कहा अली अकबर क्या हुआ? कहा एक उठी अम्मा मुझे इतना बताइए, आप अफजल है या दादी जहरा? अजादारों तड़प गई ज़ैनब, ए अली अकबर ये कैसा सवाल कर लिया, कहां फातिमा जहरा कहां मैं ज़ैनब? कहा उठी अम्मा अगर दादी ने सवाल कर लिया, ए ज़ैनब मेरा बच्चा तो मारा गया, तूने अली अकबर बचा लिया तो क्या जवाब दीजिएगा? कहा जाओ अली अकबर जाओ, मैंने इजाजत दी। अजादारों ज़ैनब से इजाजत लेके निकले अली अकबर। अब वो मरहला आया, सैयद सज्जाद के खैमे में आए, हालत तप में है आपका मौला सज्जाद, अपने बिस्तर पे आराम फरमा है। मौला सज्जाद फरमाते, मैंने महसूस किया कोई
कोई मेरे कदमों को चूम रहा है, कोई मेरे कदमों के बोसे ले रहा है। मैंने आंखों को खोल दिया। ए अली अकबर, ये क्या कर रहे हो? शबी है रसूल वो गाय भैया सज्जाद, बाबा अकेले रह गए, इजाजत दीजिए, रंग की रजा चाहता हूँ। अजादारो खुदा भाई का वन भाई बना दिखाए। सैयद सज्जाद ने सीने से लगा लिया। मक्तर कहता है इतनी बुलंद आवाज से सैयद सज्जाद रोए के मौला को बचा गया। अली अकबर रवाना हुए, खैमों से निकले। अब जो खैमों से निकले, रिवायत कहती है सारी बीबियां एक खैमे में जमा हो गई। हुसैन ने कहा अली अकबर के आखिरी खैमे में चले जाओ, सबसे विदा लेकर के आओ। आजादारों अली अकबर खैमे में गए। हमीद बिन मुस्लिम कहता है करबला का वाहिद शहीद था, मैं देख रहा था दरे खैमा उठता था फिर गिर जाता था, फिर उठता था फिर गिर जाता था। हुसैन आगे बढ़े, अकबर का हाथ थामा, खेमे से बाहर ले आए। मैंने सवाल किया ए हुसैन क्या हुआ? तो कभी माँ लिपट के रोती है, कभी बहने लिपट के रोती है। ए अली अकबर न जाओ। अजरुकमल अल्लाह आजादार हो, अपनी आवाजों को बुलंद रखिएगा। उलमाए मुतकद्दमीन कहते हैं जब अली अकबर के मसाइब हो रहे हो तो उनमें लैला हर एक चेहरा देख रही होती है, और जिस आंख में आंसू ना हो बीबी एक जुमला कहती है, ए काश तूने देखा होता मेरा अली अकबर कितना हसीन था। अजादारों खैमे से बाहर आया अली अकबर। हुसैन ने एक जुमला कहा, ए अली अकबर तुम छोटे से थे, तुमने इमामा बांधना शुरू किया, मेरी बहुत हसरत थी कि मैं भी तुम्हें इमामा बांधूं। ए मेरे लाला मुझसे इमामा बंधवा लो। अजादारों अली अकबर दो जानू होके बैठे। हुसैन ने इमामा बांधना शुरू किया, इमामा बांधते जाते थे और कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजादारों अली अकबर को आमादा किया गया, घोड़े में बिठाया गया। अजादारों सुन सकेंगे आप, एक जुमला कहा हुसैन ने, एक मरतबा अकबर को रवाना किया, आसमान की तरफ सर किया और एक जुमला कहा, परवरदिगारा गवाह रहना अब इस कौम की जानेब वो जा रहा है जो सूरत में सीरत में रफ्तार में गुफ्तार में तेरे मोहम्मद की शबी है। ए अल्लाह, जब मुझे नाना की याद आती थी मैं अकबर को देख लिया करता था। अजलकुमल्ला, जब मुझे नाना की याद आती थी मैं अली अकबर को देख लिया करता था। अजादारों अली अकबर को रवाना किया, अली अकबर ने घोड़े को महवेश किया, चला अली अकबर। अली अकबर कहते हैं मुझे कुछ आहट महसूस हुई, अब जो मैंने मुड़ के देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप। आहिस्ता अली अकबर, एक मर्तबा रहवार को रोक लिया। ए बाबा, आपने तो रुख्सत कर दिया, जानते हो तुम्हारे मौला ने क्या कहा? ए अली अकबर, काश तुम साहिबे औलाद होते। और मैं पूछता जब जवान बेटा मरने जा रहा हो तो बाप के दिल में क्या गुजरती है? एक जुमला और कहा अली अकबर, जब तक सामना रहे मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना, हुसैन मेरा चेहरा देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अजादारों अली अकबर को रुख्सत किया। अली अकबर मैदान में आए, लड़ते जा रहे हैं, या हुसैन ने महसूस किया कि दरे खैमा पे कोई बीबी खड़ी है। आगे बढ़ गए उम्मे लैला, खैमे में वापस चली जाओ, अली अकबर के लिए दुआ करो। अजादारों मक्तल के जुमले हैं,
उम्मे लैला ने मुसल्ले को बिछा लिया, बालों को बिखरा लिया, हाथों को उठा लिया, एक जुमला कहा, या राता यूसुफ और ना याकूब, और यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक बार अली अकबर को बाबा से मिला दे। आजादारों मां की दुआ थी पूरी हुई। अली अकबर लड़ते लड़ते पलटे, जैसे ही पलटे हुसैन ने खूब डांट दी, मेरे लाल क्या लड़े, बाबा अली याद आ गए। जानते हो अली अकबर ने क्या कहा, का बाबा प्यास मारे लेती है। हजारों आज बड़ा बड़ा जनाजा बरामद होगा, काए बाबा प्यास मारे देती है। हजारों वो हुसैन जिसने बेमौसम अनार मुंगवा के दिया था, मक्तल कहता है जब अली अकबर ने कहा बाबा पानी चाहिए, हुसैन रोने लगे, एक जुमला कहा, जाओ अली अकबर जाओ, नाना हौजे कौसर से सैराब करे। अजादारों मतलब क्या था, ए अली अकबर अब वापस ना आना। अली अकबर फिर मैदान में आया, लड़ता जा रहा है, हुसैन का लाल है, अब्बास का भतीजा है, जहरा का पोता है। अरे उलमा कहते हैं कभी गौर तो करो, शक्ल से मोहम्मद था अली अकबर, नाम से अली था अली अकबर। अरे हुसैन को देख के माँ याद आती थी, 18 बरस का था अली अकबर। अब जो अली अकबर मैदान में आए, लड़ते जा रहे हैं, एक मलून कहता है मैं नेजा लेके आगे बढ़ा, अजरुम अल्लाह मैं नेजा लेके आगे बढ़ा, मैंने पहलू से अली अकबर की पसलियों में नेजा मारा, अकबर की पसलियां टूट गई, अली अकबर ने पलट कर देखा, नेजा सीने में आया, मैंने बर्छी को सीने में तोड़ा, अकबर से संभला ना गया, रहवार की गर्दन में बाहें डाल दी। अजादारों फिर वो हुआ, अली अकबर का रहवार लेके चला, मक्तल कहता है पकड़ता हूँ एरबन एरबा, अकबर का घोड़ा लेके चला, तलवारे नेजे भाले बर्छिया, अरे टुकड़ों में बट गया अली अकबर, अजरुम अल्लाह अरे टुकड़ों में बट गया अली अकबर, घोड़े से गिरे, एक जुमला कहा, ए बाबा सलाम आखिर। अजादारों जैसे ही हुसैन ने सलाम आखिर सुना, हुसैन नूर के बाद जमीन करबला पे गिरे, हाय अली अकबर। अजरुम अल्लाह एक जुमला अली अकबर ने और कहा, ए बाबा मेरा सलाम आखिर, सुन सकोगे दूसरा जुमला, कहा ए बाबा मुझे नादा ने पानी पिला दिया। अजादारों अली अकबर के दिल पे बड़ा शौक है, मैंने पानी मांगा, मेरा बाबा रोने लगा, ए बाबा मुझे नाना ने पानी पिला दिया। अजादारों हुसैन चले, अजब अंदाज से चले, गिरते उठते दाएं बाएं, कोई जो पूछता था क्या हुसैन ढूंढते हैं, तो रो के कहते थे आंखों का नूर। अजादारों चले मक्तल की तरफ, हुसैन आईना अली अली अकबर कहा हो, मुझे आवाज दो, मुझे कुछ नजर नहीं आता। अजादारों पहुंचे हुसैन अली अकबर के लाशे पे, दो मंजिले ले लो, अशराए मुहर्रम है, अकबर की माँ बड़ी दूर से आई है। अजादारों अजीब हुआ, हुसैन लाशे पे पहुंचे, शायर कहता है कजा की आखिरी हिचकी बड़ी ना मेहरबा निकली, इधर सूरा का
हाथ आया, उधर अकबर की जान निकली। अल्लाह अजादारू लाशे पे पहुंचे हुसैन, जैसे ही लाशे पे पहुंचे अली अकबर ने एक जुमला कहा, आह बाबा, तो अली अकबर क्या हुआ? का बाबा जालिम ने सीने में बर्छी उतार दी है, ए बाबा दर्द बहुत है। काली अकबर मेरा हाथ बर्छी पे रख दो, मुझे नजर कुछ नहीं आता। अजादारू हुसैन ने एक हाथ सीने में रखा, एक हाथ बर्छी में रखा, नजर का रुख किया, ओ बाबा अली मेरी मदद को आओ। अब जो बर्छी को खींचा अली अकबर ने लगड़ी, ए बाबा खुदा आफेस, अब जो बर्छी बाहर जमा